ఇండియా కూటమి ఖాళీ అవటం ఖాయమన్నారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ బీజేపీని ఎదుర్కోవటం కాంగ్రెస్ కు అసాధ్యమని తేల్చి చెప్పారు రాహుల్ గాంధీ ఇండియా కూటమిలో డమ్మీ నేత అన్నారు బీజేపీని ఎదుర్కోవటంలో రాహుల్ విఫలమయ్యారని చెప్పారు బీజేపీని గద్దెదించే సత్తా ప్రాంతీయ పార్టీలకే ఉందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు ఇండియా కూటమి చాయ్ బిస్కెట్ మీటింగులకే పరిమితం అవుతుందని ఎద్దేవా చేశారు जो घमंड है कांग्रेस पार्टी की जो अहंकार है इसको सह के उनके साथ कोई भी गठबंधन में नहीं रह सकता है। हम पहले से कह रहे थे कि इंडिया अलायंस की जब बात हुई थी हमने कहा था ये तो चाय बिस्किट वाले मीटिंग है इसमें होना क्या है पहले से हम कहते आए हैं आज वही बात सच निकली। आज तृणमूल कांग्रेस ने स्थापित कर दिया आपने स्थापित कर दिया और बाकी साथियों भी मैं समझता हूँ बाकी लोग भी कोई नहीं रहेंगे उनके साथ क्योंकि कांग्रेस इतनी घमंडी पार्टी है वो किसी और को साथ ले चलने में विश्वास नहीं रखते हैं किसी और की इज्जत करने में भी विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं देश के हमारे भाइयों से बहनों से अगर बीजेपी को रोकना है जो ताकतवर रीजनल लीडर्स हैं जैसे केसीआर जी हैं जैसे ममता दीदी हैं जैसे केजरीवाल जी हैं इनकी आप सपोर्ट करें क्योंकि कांग्रेस से ना होना है कांग्रेस से बीजेपी की रोकने की जो बात आज राहुल गांधी कहते हैं एक तरफ वो जोड़ने के चक्कर में भारत जोड़ो करके चल रहे हैं इंडिया अलायंस तोड़े जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं अगर आज किसी में क्षमता है किसी में अगर दम है बीजेपी को रोकने की तो उसमें रीजनल पार्टी ही रोक सकती है और रीजनल लीडर्स जो स्ट्रांग लीडर्स हैं जैसे केसीआर जी ममता जी और केजरीवाल जी यही लोग रोक सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से राहुल जी से ये काम कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ साथियों से जो बीजेपी का विरोध करना चाहते हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप रीजनल फोर्सेस को ताकतवर बनाइए और आगे जाके कल किसने देखा ये हो जाएंगे और आगे जाके काम करेंगे और जब प्रत्यामनाय की बात होती है अल्टरनेटिव की क्या पता आगे जाके क्या होगा 24 इलेक्शन के बाद कह रहा हूँ हमारे प्रेसिडेंट जो है हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जो है अध्यक्ष केसीआर जी बड़े दूरंदेश आदमी हैं वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी इज्जत नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी इतनी घमंड से पेश आती है इतनी गर्व से पेश आती है कि उनके साथ कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हम कह रहे थे पहले से एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी कोएलिशन एक थर्ड फ्रंट एक फेडरल फ्रंट हो जाए बट अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं बनी थी। उम्मीद है कि आगे जाके कुछ बात बने तो देख।